बड़ी खबर आ रही है आटा से, जहां मासूम बच्ची को गर्म झारा से जलाया। बच्ची ने बताया कि पिता और भाई ने उसे जलाया। ये बड़ी खबर आटा से आ रही है, जहां पर झारा से बच्ची, छोटी सी बच्ची को जलाया गया है और बच्ची ने ये आरोप पिता और भाई पर लगाया जलाने का। आंगनबाड़ी आने पर ये खुलासा हुआ है। हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। महिला एवं बाल विकास की टीम मामले की जांच में जुट गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं नरेश। तो नरेश बताइए, पूरा मामला क्या है? जी, हटा शहर के साथी वार्ड स्टेट आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 106 में यह दर्ज मासूम के साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर का यह बेहद सनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि पीड़ित जो बच्चा है अर्पित पटेरिया, उसके जड़ों और पैरों में जो जलने के निशान देखकर यहाँ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी विद्या शर्मा, इन्होंने जब बच्चे से इसका कारण पूछा तो उसने बड़े ही मासूमियत से अपने बड़े भाई और पिता द्वारा गर्म में झारे से जलाने की बात कही है। साथ ही बच्चे ने अपने बड़े भाई रज का नाम लेते हुए जलाने की बात कही है और बच्चे ने अपने साथ होने वाली मारपीट की घटनाक्रम भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बताया है। मामले की जानकारी पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा तत्काल ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों और पर्यवेक्षक के माध्यम से जानकारी विभाग तक पहुंचाई है, जिसके बाद CDPO हटा के निर्देश पर वन संरक्षण विभाग दमोह और हटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्ण प्रकरण की जांच जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम आपको फिर से बता दें कि हटा से बड़ी खबर आई, जहां मासूम बच्ची को गर्म झारा से जलाया गया। बच्ची ने इसका आरोप पिता और भाई पर लगाया है। आंगनबाड़ी आने के बाद ये खुलासा हुआ और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। महिला एवं बाल विकास की टीम मामले की जांच में जुट गई है।